बनाने जा रहे हैं लहसुन पाव। उसके लिए मैं क्या क्या सामान चाहिए देख लीजिए। एक कटोरी चीनी, एक कटोरी बेसन, एक कटोरी ऑयल और एक कटोरी घी। और ये मैंने एक चम्मच पाउडर लिया इलायची। घी को मेल्ट करना है, रख देते हैं मेल्ट होने के लिए। एक बाउल में हम बेसन को छान लेते हैं। बेसन को छानना जरूरी है ताकि इसमें अच्छे से मेल्ट हो, ये अच्छे से मिल जाएगी। अब इसमें ऑयल मिलाते हैं। मैंने आधा इसमें मिला दिया है, बाकी का हम इसमें घी के साथ डाल देते हैं। डाल दिया है, इन दोनों को एक साथ मेल्ट करना है, बैटर बना लेंगे ताकि गुठलियाँ ना पड़े। जब हम इसको चाशनी में डालेंगे तो ऑयल डालने से इसमें गुठ, ये देखिए सॉफ्ट बन गया है। अब हम चाशनी बना लेते हैं। हमें शुगर डाल के इस कटोरी का आधा ही चीनी पानी डालेंगे, आधे से थोड़ी ज़्यादा। अभी एक तार की चाशनी बनानी है, शुगर मेल्ट हो रही है तब तक इसको बॉईल करते हैं। इसमें डाल देते हैं इलायची, इसकी चाशनी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हमें एक तार की चाशनी चाहिए, अभी थोड़ा है, 2 मिनट और इसको पकाएंगे। देखिए ऐसी चाहिए चाशनी, हमारी चाशनी रेडी है। अब हम इसमें बैटर को मिलाएंगे धीरे 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 करके मिलाना है। इसे धीरे धीरे करके सारा मिला दिए। चलाते रहना, तो इतना नहीं तो जल जाएगा। इसको ऐसे हिलाते हुए पकाना है। जब ये ऐसे नीचे चिपकने लग जाए तो इसका मतलब ये रेडी होने लग गया है। 2 मिनट इसको ऐसे ही घुमाएंगे। गैस का फ्लेम हाई रखना है तो इसको जल्दी जल्दी घुमाना है। हाथ रुकेगा तो ये जल जाएगा और टेस्ट खराब हो जाएगा। गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब इसमें जो मैंने गरम गरम घी और ऑयल को गरम किया है तो जरा थोड़ा थोड़ा सा डालना है, एक एक चम्मच। अब गैस का फ्लेम तेज कर देंगे, साथ साथ डालना है और इसको हिलाते रहना है। इसे डालेंगे थोड़ा थोड़ा। अच्छे से मिला ले सारे में। जैसे ये नीचे चिपकने लग जाता है इसमें फिर से ऑयल डाल देंगे, ऑयल और घी का जो मिक्सचर हमने गरम करके रेडी किया है। इसको एक साथ नहीं डालना, धीरे धीरे डालना है। देखिए मैं सारा डाल दिया इसमें, इसको ऐसे ही धीरे धीरे हिला के सारा इसके अंदर चला जाएगा। इसे हिला हिला के से करें घी के छींटे ना लगे। देखिए रेडी हो गया,
सारा घी डाल दिया। इतनी मेहनत लगती है पर अच्छा भी लगता है जब कुछ अच्छा बनता है तो। ये देखिए बिल्कुल जाली वाला बन के रेडी होएगा। अभी हम इसको एक ट्रे में डाल लेते हैं। टोमेटो और हिला लेते हैं ताकि थोड़ा और इसका कलर डार्क हो जाए। हम इसको प्लेट में डाल देते हैं। ये मैंने ट्रे में पहले से ही ग्रीस कर दिया है, बटर पेपर को ग्रीस कर दिया है ट्रे में। हम इसको निकाल देंगे इसमें आराम से। हम इसको अभी से कट कर लेते हैं। थोड़ा गर्म है, इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद फिर ये कटता नहीं है, बहुत क्रंची हो जाता है। आप इसको जैसे मर्जी शेप में काट सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे ट्रे से निकालेंगे। ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है, एक घंटे में भी अच्छे से पूरा सेट हो जाएगा। पंखे की आ रही है, इतना सुंदर बन के रेडी हुआ है। अभी जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे ट्रे में से निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा मसूर पाक बन के रेडी है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनी है। ये देखिए इतने सॉफ्ट और क्रंची है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।